कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आज इसका हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है आइसोमर। आइसोमर आइसोमर हमारे पास क्या है? आइसोमर इज अ कंपाउंड जिसका हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये वो कंपाउंड होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसको हम बोल रहे हैं आइसोमर। एंड ये जो पूरा फिनोमिनन हो रहा है इसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, किस तरीके से? लाइक ये हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल है C5H11O। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे? जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे लेक्चर में तो आपको पता चलेगा किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। सो आइसोमेरिज्म जो है दिस इज ऑफ टू टाइप्स। First is structural isomerism. So first is structural isomerism and second is stereoisomerism. Okay. And then further ये जो हमारे पास structural isomerism है, this is divided into 4 categories. So this is first, second, third and fourth. So first is chain isomerism. Second is position isomerism. Third is functional group isomerism. Fourth is metamerism. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज geometrical isomerism. Second is optical isomerism. ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर 1 by 1 हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहां से इसको मैं इरेज कर रही हूं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज सेम। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको क्या होगा देखने को मिलेगा दैट इज डिफरेंट। सो फर्स्ट हमारे पास था चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमारे पास कार्बन की जो चेन होगी जिसको हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। सो कार्बन की जो स्केलेटन होगी इसके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H12। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, और ये मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट है। देन इसके हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। किस तरीके से? हमारे पास 5 कार्बन एटम है, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 12। दिस इज 3 and 3, 6, 2, 4, 6, 6 and this 6, 12। तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम हो गए। सो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास दैट इज पेंटेन, क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन एटम की चेन है तो हम यूज करते हैं पेंट वर्ड एंड देन एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं लाइक CH3, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम यहाँ से रिमूव कर दे एक हाइड्रोजन को, एंड देन यहाँ पे हम लगा दे एक CH3 ग्रुप, ठीक है। एंड देन वापस से हमारे पास जो चेन है CH2 CH3, सो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या इस कार्बन से CH3 अटैच है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे ये चेन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। अगर हमको नोमेनक्लेचर देखना है, नोमेनक्लेचर किस तरीके से 1 2 3 4 इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3, सो 3 पे आएगा, 3 नहीं देंगे, 3 लार्ज नंबर है एज कम्पेयर टू 2, सो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे 1 2, सो 2 पे हमारे पास क्या है मिथाइल एंड देन 4 कार्बन एटम की चेन है, सो ब्यूट ए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास कार्बन स्केलेटन के अंदर क्या है चेंजेस है। यहाँ पे हमको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं आइसोमेरिज्म, एंड ये चेन के अंदर देखने को मिल रहा है, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम हाइड्रोजन, 3 4 4 एंड 3 7 8 9 9 एंड 3 12, ओके। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं लाइक किस तरीके से हम इसको नियोपेंटेन बना सकते हैं। यहाँ पे CH3, ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हमने रिमूव कर दिया, एंड देन यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे CH3 एंड देयर इज CH3, सो दिस इज नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें नोमेनक्लेचर की, सो 1 2 3 दोनों साइड से सेम होगा लाइक 1 2 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा दैट इज 2 2 2 2 एंड देन हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सो डाई आ जाएगा, 2 बार हमारे पास मिथाइल है, डाई मिथाइल एंड देन 3 कार्बन एटम की चेन है, सो प्रोप वर्ड यूज करते हैं, प्रोप एंड देन एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन की जो स्केलेटन है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। सेकेंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हमको या तो कोई भी सब्स्टिट्यूटेड एटम देखने को मिल सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप जो होगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे देखने को मिलेगा, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, सो पोजीशन आइसोमेरिज्म, सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक C3H8O, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। सो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन एटम है, सो CH3 CH2 एंड देन CH2, 1 2 3 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 8, 3 5 7 हो गए हैं। देन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगा दिया OH, O भी है हमारे पास एंड H भी, ठीक है, सो OH, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3, यहां से नेमिंग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास एल्कोहल है इसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो 3 कार्बन एटम की चेन है, सो हम क्या यूज करेंगे, प्रो एन वन ओल, एल्कोहल है हमारे पास OH ग्रुप है, सो इसके लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज ओल, सो 1 पे ओल। इसी तरीके से सेकेंड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं लाइक इस तरीके से CH3 CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है OH, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन है हमारे पास कितने 8, 3 3, 6, 7 एंड 8, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें दोनों साइड से कर सकते हैं 1, 2, 3, नंबरिंग सेम आएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रो एन टू ओन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है पोजीशन डिफरेंट है, लाइक जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन क्या है डिफरेंट, इसीलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ द थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन होगा दैट इज सेम बट दे शो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किस तरीके से इसको भी एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। सो C3H6O ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं यहाँ पे CH3 देन CH2 देन दिस इज कीटोन ग्रुप CO एंड देन C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं CHO। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CHO, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम बना रहे हैं लाइक इस तरीके से COCH3। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6। ठीक है, हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप बना दिया। सो दिस इज एसीटोन, इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज एसीटोन। अगर हम बात करें सेकेंड, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे लाइक CH3 देन CH2 COH। हाइड्रोजन हमारे पास 6, कार्बन 3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसकी नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम की जो चेन है इसलिए प्रोपेन, एंड देन हमारे पास AL आ जाएगा 1 पे AL। एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं AL सफिक्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाउ द फोर्थ इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, मेटामेरिज्म के अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके आइदर साइड लाइक बोथ साइड डिफरेंट डिफरेंट हमको एल्काइल चेन देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास मेटामेरिज्म अराइज होता है। सो फोर्थ इज मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोई भी एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बोथ साइड हमारे पास क्या है एल्काइल ग्रुप की चेन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज C4H10 एंड देन O। ठीक है, सो ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। एंड देन अगर हम इसको मेटामेरिज्म में अगर देखना चाहें तो किस तरीके से देखेंगे लाइक यहाँ पे हमारे पास CH3O देन C3H7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज मिथोक्सी, सो मिथोक्सी एंड ये जो है हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन रह जाएगी तो इसीलिए प्रोपेन। सेकेंड फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं लाइक इथोक्सी C2H5O, सो दिस इज इथोक्सी एंड दिस इज 2 कार्बन एटम की चेन है सो इथेन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है आइदर साइड हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम की चेन है, जिसकी वजह से हमको मेटामेरिज्म शो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला था एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये हो गया मेटामेरिज्म। तो ये तो सारे हमने स्टडी कर लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा दैट इज सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट यहाँ पे जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी एटम्स की अगर हम 3D की बात करें वो डिफरेंट होगी। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर फर्स्ट हमने क्या देखा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको दो तरीके के आइसोमर देखने को मिलेंगे, दीज आर नोन एज सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सो सिस आइसोमर किसको बोलेंगे हम, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी दो एटम एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट हो, एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है, atoms at adjacent position, and if atoms are at opposite, अगर opposite present है तो इसको हम क्या बोलेंगे, trans. For example, PT, there is NH3, there is Cl, there is Br. एंड इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, PT NH3 Cl Br, ठीक है। तो जो हमारे पास सेम एटम्स होते हैं, लाइक दिस इज NH3 एंड दिस इज NH3, तो इनको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एटम सेम प्रेजेंट है, लाइक एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, इसको हम इस तरीके से बना सकते थे, PT NH3 देयर इज NH3 एंड देयर इज Cl देयर इज Br, इस तरीके से बना सकते थे, लाइक दोनों क्या है, पास प्रेजेंट है, इस तरीके से दोनों क्या है, एक दूसरे के पास है, एडजेसेंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों एटम जो कि है सेम बट अपोजिट प्रेजेंट है, लाइक ये यहाँ पे है, ये इसके अपोजिट में है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड, हमारे पास कौन से थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है। किस तरीके से, सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सेकेंड हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा that is also same, but rotate plane of polarized light, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कार्बन एटम या कोई कंपाउंड है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। किस तरीके से, लाइक ये हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रखा इस तरीके से, ये हैंड है, अगर इसी को हम मिरर के अंदर देखते हैं, मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है। सो मिरर के अंदर ये हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हैंड है, ये मिरर के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसको हमको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, ऐसे फ्लिप करके नहीं रखना, इस तरीके से एग्जैक्ट इस तरीके से उठा के इसको रखना है, इसके ऊपर क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मेन कंडीशन है, दैट इज कार्बन एटम जो हमारे पास प्रेजेंट होगा, दैट इज एसिमेट्रिक। अगर हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, दिस मीन्स कि ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, एंड दैट मीन्स दे कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो दिस इज कार्बन एटम, एंड यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी एटम प्रेजेंट है, दैट इज A, देयर इज B, देयर इज C, देयर इज D। अगर हमने यहाँ पे मिरर लगाया तो यहाँ पे कार्बन एटम देखने को मिलेगा एग्जैक्ट सेम, एंड देन A एंड देयर इज D एंड देयर इज C एंड देयर इज B, ठीक है। इस तरीके से एटम हमको देखने को मिलेंगे, सो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। एंड ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है, दो तरीके से रोटेट होती है, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज जो लाइट रोटेट होगी, इसको हम शो करते हैं पॉजिटिव साइन से, एंड देन हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज जो लाइट रोटेट होगी इसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। देन आगे भी हम स्टडी करेंगे, लाइक आप हायर क्लास में जाएंगे वहां पे आप स्टडी करेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम यहीं तक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की, एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से रेसमिक मिक्सचर से। रेसमिक मिक्सचर, सो रेसमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है 50%, ये जो हमारे पास क्लॉकवाइज जिसने प्लेयर ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट किया है दैट इज 50% पॉजिटिव वाला, एंड 50% हमारे पास क्या होता है ये जो नेगेटिव वाला जिसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को मूव किया है। सो इन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर होता है, 50-50% मिक्सचर होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अगर हम बात करें रेसमिक मिक्सचर की, लाइक ये कितनी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट शो करता है, ठीक है। नेट रेट क्या है, नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट, सो दैट इज 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेसमिक मिक्सचर है, जिसका मतलब है 50% ये जो है लाइट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा एंड 50% क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो ये दोनों लाइट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों क्या करेंगी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लाइक एक 50% है एक -50 है, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, एंड नेट यहाँ पे हमको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक आइसोमेरिज्म, होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and